हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ट्रेड डेफिसिट। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है बताइए मुझको। हिट्स रिकॉर्ड हाई इन अक्टूबर ड्रिवन बाय गोल्ड इंपोर्ट्स। ट्रेड ट्रेड में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, एक आप एक्सपोर्ट करते हो। जब आप इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो आप पैसा बाहर ज़्यादा भेज रहे हो तो वो आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो वो आपका पैसा देश में आ रहा है तो वो आपका ट्रेड सरप्लस होता है, ट्रेड डेफिसिट नहीं होता है। तो ट्रेड डेफिसिट हम लोग हुए हैं किस वजह से? गोल्ड इम्पोर्ट्स की वजह से। गोल्ड इम्पोर्ट किए, ऐसा क्या हो गया अक्टूबर में कि गोल्ड इम्पोर्ट किया हमने? नवंबर में अभी आपको पता है दिवाली है, ठीक है, दिवाली है, धनतेरस है और अभी शादी का आपका सीजन चल रहा है। तो इन सारे चीज़ें, इन सारे नीड्स को कैटर करने के लिए हमें गोल्ड इंपोर्ट्स करने पड़े, तो इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई हुआ है अक्टूबर में। अब देखते हैं क्या है। ड्रिवन बाय गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट इन अक्टूबर सर्ज अ रिकॉर्ड हाई इवन एज इंडियाज गुड एक्सपोर्ट एंटर्ड द पॉजिटिव टेरिटरी फॉर 8th कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ डिक्लाइन ड्यू टू वीक डिमांड इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड इन चाइना ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस। ठीक है, द ट्रेड डेफिसिट स्वेल टू रुपी डॉलर 31.46 बिलियन। इतना ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट हुआ है इन अक्टूबर आफ्टर गोल्ड इम्पोर्ट्स सर्ज बाय मैसिव 95% टू $7.2 बिलियन लास्ट मंथ। तो 95% तो इसके इम्पोर्ट्स बढ़ गए गोल्ड के। इसलिए कंपेयर टू अक्टूबर लास्ट ईयर फेस्टिव डिमांड ऑल्सो बूस्टेड सिल्वर इम्पोर्ट विच ही लीप्ड 125% टू $1.31 बिलियन। ऑफिशियल डेटा रिलीज बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन वेंसडे शोड। तो इस इंडस्ट्रीज से जो डेटा आया है इसने बताया है ये चीज। वाइल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जम्प 6.3% टू $33.57 बिलियन कंपेयर टू अक्टूबर लास्ट ईयर इम्पोर्ट सर्ज ओवर 12% रिकॉर्ड हाई। इतना अब ये हमारे लिए डेटा जरूरी नहीं है। गिवन द शिफ्ट इन द फेस्टिव कैलेंडर वी हैड एक्सपेक्टेड द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट टू इनलार्ज टू रुपी $22.8 बिलियन इन अक्टूबर 2023। द हायर देन एंटिसिपेटेड मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ गोल्ड ऑयल। तो ये गोल्ड, आप देखिए, गोल्ड सिल्वर ऑयल, ये तीन कारण है कि हमारे ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। ठीक है, नायर एडेड डेट नॉन ऑयल इम्पोर्ट शुड मॉडरेट इन नवंबर अलॉन्ग विद द एक्सपोर्ट गिवन अ हायर नंबर ऑफ हॉलीडेज वी फोरसी डेट ट्रेड डेफिसिट फॉर अ करेंट मंथ एट $22.25 बिलियन। वी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द करेंट अकाउंट डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू प्रिंट इन अ रेंज ऑफ 1.8 to 2.0% ऑफ GDP, शी एडेड। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बथरवाल टोल्ड रिपोर्टर डेट ट्रेड नंबर इन अक्टूबर कन्फर्म द ग्रीन शूट ऑफ रिकवरी। वी आर होपिंग दैट द पॉजिटिव ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट विल बी सस्टेन्ड इन कमिंग मंथ्स। इंटरेस्ट रेट ग्लोबली गोइंग टू बी हाई, दिस अफेक्ट्स न्यू इन्वेस्टमेंट विच ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट इन अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज। अ लॉट ऑफ कंज्यूमर लोन फाइनेंस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गोल्ड गुड्स एंड इट्स इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, हाई कंज्यूमर लोन्स आर अफेक्टेड। तो ये रीज़न बताए उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों अफेक्ट हो रहा है। अब देखो, ये सारी जितनी चीज़ें वर्ड टू वर्ड हमें नहीं पढ़नी है, मैंने सिंपल सा एक चीज़ आपको बताया। अब देख लेते हैं डायरेक्ट कंसेप्ट, क्योंकि मुझको साफ समझ आ रहा है ना कि ये आर्टिकल ऐसे डेली का पढ़ना अपने लिए लॉस होता है। तो एक सेकंड में एक बार आपको इसकी मेन चीजें बता देता हूँ। ट्रेड होता है, ट्रेड में दो कंपोनेंट होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये आपकी कंट्री है, ये इसके लिए भाई माफ करो, मैं अखंड भारत के फेवर में ही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कोई जगह दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे पूरा बना दूँ भारत। तो ठीक है, ये ट्रेड है। अब देखो, इम्पोर्ट में क्या होता है, हम बाहर से गुड्स लेते हैं।
या सर्विसेज लेते हैं, और बाहर हम क्या भेजते हैं, रुपीस भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं। ये किसका केस हो गया, इंपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम जो होते हैं बाहर गुड्स बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं, और वहाँ से हम डॉलर लेते हैं, रुपीस लेते हैं। ये हो गया एक्सपोर्ट का केस। अब आप देखो, इसमें इंडिया में पैसा आ रहा है, यहाँ से इंडिया से पैसा जा रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया। अगर इंपोर्ट जो है आपका हाई होगा एक्सपोर्ट से, तो वहाँ पे आ जाएगा ट्रेड डेफिसिट। अगर इंपोर्ट जो है आपका कम होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो मतलब इंडिया में पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो वो हो जाता है आपका ट्रेड सरप्लस। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अभी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़, हम ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में है, पर ये जो था ये डबल बढ़ गया अपना। किस वजह से, फेस्टिव सीजन में गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, ये 1, 2, 3, ये 3 रीजंस है जिसके वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। तो बस इतनी ही सी बात थी, अभी इन्होंने इसको घुमा फिरा के लिखा है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो बस इतना ही था। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।